कहानी की शुरुआत हमें कुछ स्टोरों से दिखाई जाती है जो कि एक मास स्टोर में ओनर को लूटने की कोशिश करते हैं। वो ओनर को लगभग लूट चुके होते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम ओकुजी है और वो अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर पहुंचती है। तो यहाँ पर ओकुजी के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है जिसको देखकर चोर उसको लूटने की कोशिश करते हैं, बट उनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पर ओकुजी उनसे फाइट करती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मार देती है। वो ओनर को उसके पैसे भी लौटा देती है। वहाँ से ओकुजी अपने घर पहुँचती है और उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम बैलरीना है। इसका नाम वैसे तो मिनी है, प्यार से उसे वो बैलरीना कहती है। बैलरीना एक डांस का नाम होता है जिसमें मिनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। आज मिनी कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और वो ओकुजी को कहती है तुम्हें मेरे घर पर आना है और हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओकुजी उसकी बात सुनती है और उसके घर पर पहुंचने के लिए रास्ते में कुछ शॉपिंग करती है और उसके घर पर पहुंचती है। उसके घर पर पहुंचने पर उसे एक गिफ्ट रैपर नजर आता है जिसको वो ओपन करती है। वहां पर एक शूज होता है और एक खत होता है। उस खत के अंदर एक डिश का नाम लिखा होता है। इस डिश का इस गिफ्ट के पेपर के अंदर क्या काम है इसके बारे में तो आगे जाकर पता चलेगा। तो यहाँ पर ओकुजी बैलरीना को कॉल करती है क्योंकि वो घर पर नहीं होती है। कॉल करने पर उसका फोन वॉशरूम के अंदर बजता है। वहां पर ओकुजी अंदर जाती है और बैलरीना की लाश देखती है। बैलरीना खुद को मार चुकी होती है। इस चीज का सदमा ओकुजी को बहुत ज्यादा दुख देता है। वहां पर ओकुजी रुकना नहीं चाहती है क्योंकि वो इल्जाम उसके ऊपर आ सकता है। अब वहां से ओकुजी निकलती है और उस खत को अपने साथ ले लेती है। अब ओकुजी अपने घर पर बैठी होती है और बैलरीना के बारे में सोचती है आखिरकार उसने खुदकुशी क्यों की है जबकि उसने उसे उस घर पर बुलाया था। अब वहां पर उस पेपर को वो निकालती है और उसमें से उस डिश का नाम सर्च करती है। आखिरकार कुछ तो ऐसा क्लू है जो कि बैलरीना उसे देना चाहती थी। अब उस डिश के बारे में और रिसर्च करने पर उसे पता चलता है इस डिश को ऑर्डर करने वाला कोई ड्रग माफिया है। एक्चुअली में इस डिश के साथ एक ड्रग आता है। यहाँ पर ओकुजी को समझ में आ जाती है कि मेरी दोस्त किसी कांट में फंस चुकी थी, इसी वजह से उसने खुद को मार डाला है। अब उसकी मौत का कारण पता लगाने के लिए वहां पर बैठ कर ये सोच रही होती है और इतनी देर में वहां पर बैलरीना के नंबर पर एक आदमी की कॉल आती है। इस आदमी का नाम चू है जो कि बैलरीना के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है, बट यहाँ पर बैलरीना नहीं होती है। इसके बारे में चू को नहीं पता होता है। ये सारी बातें यहाँ पर ओकुजी सुनती है और उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो आदमी उसे अपना एड्रेस भी देता है। रात होने के बाद ओकुजी वहां पर पहुंचती है। ये सारी कहानी यहाँ पर ओकुजी देख रही होती है और उस आदमी का पीछा करती है। वो उसके घर तक जाती है और वापिस उसके घर से निकलने का वेट करती है और सुबह होते ही उसके घर पर जाती है। वहां पर वो कुछ माइक्रोफोन लगाती है ताकि वो उसकी बातें सुन सके आखिरकार ये आदमी क्या करता है। अब यहाँ पर बैलरीना उसके घर के बारे में और जानने की कोशिश करती है तो वहां पर उसे बहुत सारी यूएसबी ड्राइव्स नजर आती हैं। इन ड्राइव्स को देखने के बाद ओकुजी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर ओकुजी को समझ में आ जाता है कि आदमी कुछ तो ऐसा कर रहा है, मतलब लोगों को ब्लैकमेल करता है। उसे बैलरीना की भी यूएसबी मिलती है जिसको लेकर वहां से वो निकल आती है। घर पर आने पर वो उस फ्लैश ड्राइव को लगाती है और उसे वहां पर बैलरीना की वीडियो नजर आती है जो कि एक अडल्ट वीडियो होती है। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि बैलरीना ने खुद को क्यों मारा है। ये आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा था उसकी नेकेड वीडियो बनाने के बाद। इसी आदमी की वैसे उसकी फ्रेंड की जान जा चुकी है। तो ये सारी चीजें अब ओकुजी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं और उस आदमी को मारने का वो ठान लेती है। अब यहाँ पर ओकुजी उसकी बातें सुनती है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। ओकुजी को पता चलता है कि ये आज एक क्लब के अंदर मिलने वाले हैं और वहां पर किसी और लड़की का शिकार करने वाले हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। ओकुजी उस क्लब के अंदर पहुंचती है और यहाँ पर अब चू से वो मिलती है। फाइनली चू उसे खुद अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ओकुजी पहले से ही प्लान बनाकर आई होती है। ओकुजी के एक चीज के बारे में नहीं पता होता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस आदमी से उसकी फाइट बहुत ही अच्छी हो सकती है। वहां पर वो उसके साथ प्लॉट करती है और उसके साथ उसके घर पर जाने की बात करती है। चू उसे अपने घर पर लेकर नहीं जाता, वो उसे एक होटल के अंदर लेकर जाता है जहां पर उसके साथ और दो लोग मिले होते हैं। वो उस रूम के अंदर पहुंचती है जहां पर बैलरीना के साथ ये सब कुछ हो चुका होता है। यहाँ पर चू उसे एक ड्रिंक देता है जिसको ओकुजी फ्लैश के अंदर फेंक देती है और उसके बाद बाहर आकर बेहोशी का नाटक करती है और चू उसके साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो कि वो बैलरीना के साथ कर चुका होता है। और यहीं पर ही अब ओकुजी की आंख खुलती है और उसे वो फाइट करना शुरू कर देती है जिस पर वो चू को मारने की कोशिश करती है। अब चू और ओकुजी के बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है।
और यहाँ पर अब होटल के ओनर आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक होटल का ओनर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है और एक की टांग कट जाती है। यहाँ पर एक और लड़की है, इसका नाम मिनी है। यहाँ पर ये ओकू जी की जान बचाती है और वहाँ से चू की फरारी की चाबी लेकर वो भाग जाती हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें फिर से चू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में है। और यहाँ पर अब हमें बहुत सारे गैंगस्टर देखने को मिलते हैं। ये आदमी यहाँ पर चू को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करता है और उसे कहता है 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है और ये लड़की मेरे सामने होनी चाहिए या फिर इसकी लाश। अगर तुम इस लड़की को ना मार पाए तो मेरे गैंग का बहुत ही नाम बदनाम हो सकता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, चू अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है जो कि ये ड्रग बनाता है। यहाँ पर वो उसे हेल्प लेने की बात करता है जिस पर वो लड़का उसे पहले तो मना कर देता है। यहाँ पर चू उसे 100 मिलियन की ऑफर करता है जिसको सुनकर वो लड़का वहाँ पर मान जाता है और चू की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनको इन दोनों को पकड़ना है और इन दोनों को मारना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ओकू जी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक ट्रेनर के पास पहुँचती है। मैं उन लोगों को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ ये किया है और बहुत सारी लड़कियों के साथ वो कर चुके हैं। तो वहाँ पर उसकी ट्रेनर से कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बट तुम्हें चाहिए क्या। तो वो उसे गन का बोलती है, एक बिना लाइसेंस के गन उसे चाहिए होती है जिसके बारे में वो कुछ लोगों के बारे में बताती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, ओकू जी एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वूमेन के पास पहुँचती है जो कि हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। कुछ हथियारों को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये सब के सब बेकार होते हैं। काफी ज्यादा हमें यहाँ पर कॉमेडी डायलॉग सुनने को मिलते हैं। फाइनली वहाँ से वो एक दो गन्स लेती है और उनको पैसे देकर वापस अपने घर पर आती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, ओकू जी बाहर की तरफ जाती है और कुछ खाने पीने के लिए सामान खरीद कर वापिस घर पर आती है। घर वापिस आने पर उसे मिनी नजर नहीं आती है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहीं पर ही चू और उसका फ्रेंड जो होता है उसके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। यहाँ पर अब ओकू जी अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर से हमें चू को दिखाया जाता है जो कि सोंग के पास पहुंचता है। यहाँ पर उसका बहुत पहले तो खुश होता है बट बाद में उसे लगता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है और यहाँ पर वो मिनी के बारे में बात करता है कि लड़की गवाह है, तुम्हें इसे भी मारना होगा, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये हमारे लिए खतरा हो सकती है। तो वहां से सोंग ये बात कहकर चला जाता है। चू वहां से मिनी को लेता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो ओकू जी के बारे में उससे पूछता है जिस पर मिनी अपनी जुबान नहीं खोलती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, फिर से हमें ओकू जी को दिखाया जाता है जो फाइनली अब उसी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो एक एक गैंग माफिया से पूछती है जो कि सब लोग वहाँ पर ड्रग बना रहे होते हैं। यहाँ पर हमें सोंग भी नजर आता है। सोंग से वो पूछती है तुम अगर मुझे बता दो इस लड़की के बारे में तो मैं तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर अब वहाँ पर सोंग बहुत ही ज्यादा हंसता है और उसे कहता है तुम्हें आकर मेरे पास बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर ओकू जी को पहले से गुस्सा होता है, सोंग को वहीं पर ही खड़े खड़े गोली मार देती है जिस पर उसका गैंग माफिया बहुत ही ज्यादा डर जाता है बट वहां पर कोई भी अपनी जुबान को नहीं खोल रहा है और एकदम से वो गन काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर ओकू जी की हमें एक दमदार फाइट देखने को मिलती है जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा खून खराबा होता हुआ नजर आता है। ओकू जी सबको एक एक करके मारती हुए आगे की तरफ बढ़ती है। फाइनली वो चू के दोस्त के पास पहुंचती है जो कि गाड़ी में मिनी की लाश को लेकर मे भी जा रहा होता है बट यहाँ पर अभी मिनी जिंदा होती है। यहाँ पर ओकू जी उसे देखती है और उसे गोली मारने लगती है जिस पर वहां पर चू आकर ओकू जी को गोली मार देता है और ओकू जी जख्मी होकर गाड़ी के पीछे चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होते नजर आती है। चू अपने फ्रेंड को भी मार देता है और यहाँ पर ओकू जी से वो फाइट करने की कोशिश करता है जिस पर अब ओकू जी एक छोटी सी गन से उसे जख्मी कर देती है। फाइनली उसे वहां से उठाते हैं और समुन्द्र के किनारे लेकर चले जाते हैं। उनके पास एक गैस सिलेंडर होता है जिससे आग उगलती है। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह चू को आग लगा चुकी होती है और यहीं पर ही उसको मारने के बाद अब वहां से वो चली जाती हैं। अपनी फ्रेंड का भी बदला ले लेती है और बाकी सभी लड़कियों की भी वो जान में भी बचा लेती है। तो यही थी इस फिल्म की स्टोरी फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें।